तो उसकी शेडो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी लाइक यहाँ पे सन है तो उसकी शेडो इस डायरेक्शन में बनेगी एंड अगर सन उसके जस्ट ऊपर है तो शेडोज के अराउंड बनती है एंड सिमिलरली इफ सन उसके पीछे है तो शेडोज के फ्रंट में बनती है एंड इसमें एक चीज होती है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लाइट सोर्स से जितना दूर होगा उतनी ज्यादा सॉफ्ट शेडो बनेगी एंड जितना क्लोज होगा उतनी ज्यादा हार्ड शेडो बनेगीफ आई जस्ट शो यूर एक्जाम्पल इफ मैं लाइट सोर्स को मूव करूं तो हमारी शेडो में कुछ इस तरह से चेंजेस होंगे लाइक like, हमारा ब्लर बढ़ जाएगा वो थोड़ी सॉफ्ट दिखेगी एंड इफ मैं उसको क्लोज लेके जाता हूं तो इसमें जो चेंजेस होंगे तो इसकी एजेस थोड़ी शार्प हो जाएंगे हमारे

सिमिलरली फ्लाइट सोर्स सेंटर में होता है तो हमारी शेडो ऐसे स्प्रेड होती है फिर जो लुकेट द बटन तो उसके चारों तरफ शेडो स्प्रेड हो रही है नया बार में भी चारों तरफ स्प्रेड हो रही है बट इसके बॉटम थ्री पार्ट्स हिडन है तो वो नहीं दिखेगी तो देख सकते हैं उसके चारों तरफ शेडो स्प्रेड हो रही है सिमिलरली विद एक्शन बार उसकी भी चारों तरफ स्प्रेड हो रही है बट डिजाइन में कभी भी हम लाइट सोर्स को नीचे प्लेस नहीं करते वो बहुत अजीब लगता है डिजाइन के अंदर देखें तो बटन के ऊपर शेडो ऐसा आपने किसी भी डिजाइन में या वेबसाइट में नहीं देखा होगा बटन के या फिर किसी भी एलमेंट के ऊपर शेडो नहीं देते शेडो की डरेक्शन हमेशा नीचे होनी चाहिए क्योंकि हम लाइट्स

ठीक है तो वो कुछ इस तरह से होगा ये हमारी स्क्रीन होगी एंड उसके ऊपर बटन होगा एंड जब भी हम किसी एलिमेंट पर हवर करते हैं फिर उसको प्रेस करते हैं तो हम उसका एलिवेशन बढ़ाते हैं वो एलिमेंट बाकी एलिमेंट से कंपेरिजन में ऊपर आ रहा है अगर इसीलिए उसकी शेडो थोड़ी सॉफ्ट और स्प्रेड हो जाती है फर्स्ट शो यू लाइव एग्जाम्पल ऑफ दिस फिर जस्ट गो टू जीवल एंड इफ जस्ट लुक एट द दंपोज बटन जब आप उस उसमें हवर करते हैं तो उसकी शेडो थोड़ी स्प्रेड होती है और सॉफ्ट भी होती है इफ यू लुक क्लोजली आई हैवर ओवर इट तो उसकी शेडो स्प्रेड होती है बाई डिफॉल्ट इसमें शेडो नहीं होती बट यू हवर ओवर तो उसका एलिवेशन बढ़ जाता है इसलिए उसकी शेडो भी बढ़ जाती है सेम थिंग हैपन्स इन नियर लाइफ आप किसी ऑब्जेक्टेक्टेक्टेट को सर्फिस पे रख देंगे तो उसकी शेडो बहुत शार्प एंड शॉर्ट बनेगी जैसे आप उसको एलिवेट करते हैं उसकी शेडो भी स्प्रेड होने लग जाती है नाउ सी हाउ टू एक्चुअली यूज एंड एड शेड इन यू आई डिजाइन नाउ हेयर आई है थ्री एग्जाम्पल्स देखो बाई डिफल्ट आप जो शेडोज एड करते हैं वो कुछ इस टाइप की दिखती है जो हमारे पास फिगमा में इफेक्ट्स का ऑप्शन होता है फिर आइकन, and by default इस क्लिक ऑन द प्लस आई कैन बाई डिफॉल्टेड ड्रॉप शैड ही चूज होती है तो इसके डिफॉल्ट इस कुछ इस तरह के दिखते हैं तो ये देखने में इतना अच्छा नहीं लगता है बहुत हार्ड शेडो होती है तो उसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं लाइक दिस वन ये थोड़ा बेटर दिखता है सॉफ्ट करने के लिए हमको सिंपली इसका ब्लर अमाउंट बढ़ा देना है एंड थोड़ी ओपेसिटी कम कर देनी है। बाय डिफॉल्ट इसकी ओपेसिटी 25 परसेंट होती है एंड ब्लर भी थोड़ा अमाउंट कम होता है एंड जो इसकी एक्स एंड वाई डायरेक्शन होती है तो इसमें एक सिंपल सा रूल होता है ऑल दो फिक्स नहीं है you can choose any number. जो एक्स डायरेक्शन होती है वो वाई डायरेक्शन से हाफ होती है लाइक यू कैन सी एक्स की डायरेक्शन है थ्री वाई की है सिक्स तो इट्स अ गुड प्रपोर्शन की yeah. आप एक्स की वैल्यू वाई से हाफ रखें सेम गोज विद्लर अगर आपको ब्लर अमाउंट देना है, तो इन ही दोनों वैल्यू के मल्टीपल में देते हैं लाइक ट्वेल्व मल्टीपल ऑफ सिक्स एंड थ्री ऑल्सो सो आपको उसी में से चूज करना है एंड देन वी हैव अनदर ऑप्शन कॉल स्प्रेड इसको आपको नहीं यूज करना शेडो थोड़ी स्प्रेड हो जाती है इस टाइप से ये हमको कॉपी नहीं करना है स्प्रेड हमेशा जीरो रखना है एंड ओपेसिटी के साथ आपको प्ले करना पड़ेगा क्योंकि कलर टू कलर भी फरी करता है लाइक इफ आई एडेड अक

Shadow to it, it will look very ugly. Like right. I can show you if you just go here.

जो इनर शेडो तो होती है वो रियल लाइफ में भी एक्जिट करती है तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट उसको बहुत ब्राइट लाइट में रखें तो उसका एक पार्ट बहुत शाइनी हो जाता है उसके ऑपोजि पार्ट में शेडो बनती है सेम थिंग डिजाइन इफ यू जस्ट ट्राई एडिंग इनर शेडो एंड इनर शेडो का कलर व्हाइट होता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम इफ यू जस्ट क्लिक एंड ट्राई एडिंग इनर शेडो एंड आपको कभी भी ब्लैक इनर शेडो यूज नहीं करने क्योंकि वो एलिमेंट को थोड़ा ऐसे गड्ढे से में डाल देती है अगर आप रियल लाइफ में देखें तो गड्ढा को देंगे तो इस टाइप का कुछ दिखेगा इस तरह के कुछ डिजाइन स्टाइल्स भी होते हैं जिसमें इस तरह की इनर शेडो यूज होती है बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू यूज दो डिजाइन वो बहुत बेकार होते हैं ड्रिबल शॉट्स के लिए बहुत अच्छी चीज है बट रियल लाइफ ऐप्स में बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस डालते हैं सो आई विल नॉट रिकमेंड यू यूजिंग दम ठीक है इफ आई जस्ट जू इन इन अपट एंड चेंज द इनर शेडो प्रॉपर्टी इनर शेडो का कलर व्हाइट होता है सो आई विल प्रेस एफ हेयर एंड हिट एंटर एंड इंक्रीज द एक्स अमाउंट ऑल्सो अपड और इसमें हम सेम अमाउंट रख सकते हैं दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम इन इक्रीज अ बलर अपब सो नाव वी कैन सी बटन को थोड़ा सा थ्री डी लुक मिल गया सो इनर शेडो से आप थोड़ा सा थ्री डी लुक दे सकते हैं अगेन आई विल नॉट रिकमेंड यूजिंग इट क्योंकि आप चीजों में ज्यादा इफेक्ट भी डालते हैं तो वो भी एक नेगेटिव एक्सपीरियंस डालता है चीजों को सिंपल एंड क्लीन रखें टू मेक योर डिजाइन टाइमलेस ऑल्सो शेडो इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू अर टॉपिक्स बट इफ अपनी चीज सही से यूज नहीं करिए आपका डिजाइन थोड़ा अनर रियल लग सकता है बहुत अगली भी लाइक इफ यूड हार्ड शेडोज इट विल लुक अगली जस्ट लाइक इन दिस एग्जाम्पल तो शेडो में ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं होती तो इट्स नॉट अ हार्ड टॉपिक यू जस्ट हेप टू प्रैक्टिस मास्टर इट आई विली अंक इन द डिस्प्शन मेक शोर दट यू गो टू दट वेबसाइट एंड रीड अबाउट शेडोज इन डेप्थ इट्स मेटीरियल डिजाइन टू पॉइंट ब्लॉग इट्स अडक्यूमेंटेशन रिलीज बाय मेटीरियल डिजाइन टू पॉइंट मेटीरियल थ्री पॉइंटो में वो शेडोज यूज नहीं करते हैं एंड इफ यू डोट नो मेटीर डिजाइन क्या है तो वो एक डिजाइन सिस्टम है रिलीज बाय गूगल मेजोरिटी ऑफ द एप उसी डिजाइन सिस्टम को फॉलो करके बनते हैं बाई